सोनी को हम बोलेंगे कि आंख बंद करो, कुछ चमत्कार दिखाएंगे। बंद करो ना, आंख तो बंद करो, दोस्तों देख रहे हैं। वो चीटिंग कर रही है, देखिए हल्का हल्का देख रही है। पूरा बंद करो, पूरा बंद करो, पूरा बंद किए हैं। हाँ, आप हाथ ऊपर दो, तमाचा नहीं ना मारना, नहीं ऐसे देखना मत, आंख खोलना मत। जब बोलेंगे गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग बिल्कुल अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिलीप सोनी ब्लॉग में। तो अभी सुबह का टाइम है, हम नहा धो के फ्रेश होके रेडी भी हो गए हैं और किशन परी जो है स्कूल चले गए हैं। अभी किशन परी का स्कूल 2 दिन फिर चलेगा और अभी ठंडा का छुट्टी मिल जाएगा क्योंकि यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंडा पड़ रहा है। आप लोग के यहाँ ठंडा कैसा है हम लोग को कॉमेंट करके जरूर बताइए। घर में तो हम लोग का लगता है कि एकदम पूरा शिमला बन गया है और इतना ठंड है कि ठंड से लगता है कि नहाए भी नहीं, लेकिन बिना नहाए धोए तो रह नहीं सकते हैं। तो अभी तो हम रेडी हो गए हैं, बाकी किशन का पापा भी रेडी हो रहे हैं और हम लोग को जाना है अभी मार्केट सब्जी वगैरह लेने, क्योंकि घर का जितना भी सब्जी है हम लोग का खत्म हो गया है। और हमारे यहाँ सप्ताह में 4 दिन मार्केट लगता है तो इसीलिए हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ऐसे चौक में भी जितना भी आप सब्जी ढूंढिएगा मिल जाता है, लेकिन बाजार जाने से थोड़ा सा बजट पड़ता है, इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि बाजार ही जाया जाए और ज्यादा दूर में तो नहीं है। तो चलिए अभी हम तो रेडी हो गए हैं, किशन का पापा रेडी हो रहे हैं जो कि आप लोग को दिखाते हैं अभी। तो ये देखिए किशन का पापा, दोस्तों अभी हम दाढ़ी बनाएंगे फिर नहाएंगे उसके बाद मिलते हैं। हाँ, तो थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम का चलते थोड़ा सा ये काला काला दिखाई दे रहे है, तो अभी ये रेडी होते हैं, पता नहीं कब तक रेडी होंगे और अभी काफी टाइम हो गया तो थोड़ा जल्दी करिए। तो दोस्तों अभी फिलहाल रेडी हो गए हैं और यहाँ देख सकते हैं पर्स और थैला दोनों ले लिए हैं मार्केट जाने के लिए। और किशन के पापा अभी भी रेडी हो ही रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं किचन में, लग रहा है कि पानी वगैरह पी रहे हैं। हो गए तो दोस्तों पानी तो पीना बनता है, क्या है कि हम नाश्ता करके पानी भी नहीं पिए थे इसलिए हम पानी पी लिए। और अभी ठंडा बढ़ने के कारण पतला वाला चीटर से काम नहीं चल रहा था, अभी जैकेट निकाल लिए देखिए। और अभी चले आप मार्केट की ओर, तो चलिए चलते हैं मार्केट सब्जी वगैरह ले लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं गांव से कैसा ही स्ट्रगल करते हुए सब सामान सब्जी हरा हरा सब्जी लेके आते हैं, देख रहे हैं ना, बैठने भी नहीं बन रहा है लेकिन आजकल बैठे हुए हैं, काफी मुश्किल के साथ में सब लाता है। देखिए यहाँ से नगरी उगड़ी से लेके लाते हैं और हम लोग फाइनली पहुंच गए बाजार। तो दोस्तों यहाँ पे किशन के पापा देखे गाड़ी लगा दिए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं सब्जी मार्केट। अभी चलिए लेते हैं, पूछते हैं कि आज का मार्केट सस्ता है कि महंगा है क्या। हाँ देखते हैं, आइए। आलू ले रहे हैं क्या? 20 ले लो, ठीक है ले लो ले लो ले लो। हाँ आलू भी देख रहे हैं, एकदम लाल वाला है, नया आलू। तो दोस्तों हम लोग का अभी अब सब्जी हो चुका है और ये बंधा गोभी कैसे नानी? 30 रुपया लेगी, लेना है सोनी? हाँ ले लो। आप सोनी ले रही है मूली और मटर। तो दोस्तों अभी हम लोग का सब्जी भाजी सब हो चुका है और अभी आप हम लोग घर जा रहे हैं। देखिए हम लोग का थैला भी भर चुका है क्या सोनी? बहुत ज्यादा तो नहीं भरा क्योंकि अभी बाजार उतना लगा नहीं है, बहुत महंगा मिल रहा है। हाँ महंगा भी है और दूसरा क्या है ना कि हर रोज तो एक दिन के बाद बाजार है तो हम लोग ज्यादा लेके भी का करेंगे, खराब हो जाएगा। ताजा ताजा तो ताजा ताजा हम लोग लेंगे। तो चलिए हम लोग घर पहुँचते हैं, उसके बाद में हम लोग मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग मार्केट से घर के लिए निकल गए हैं सब्जी वगैरह लेके। दोस्तों सब्जी लेके हम तो आ गए घर और इधर पहुंच गए, मेरा मिठू भी चिल्ला रहा है ना। तो जल्दी से ताला खोलिए और मिठू काफी एक्साइटेड होगा अभी। हाँ। मिठू एकदम देख के चिल्लाते रहता है कि मेरा मम्मी पापा का ला रहा है करके। और अभी आइए दिखाते हैं मिठू, पहले तो लाइट जलाइए। मिठू किधर गया है? देखिए दो ठो अपना अंदर घुस के है अपना, किधर है? ये देख ऊपर में है, नीचे उतरो। आजा आजा कुछ लाए, जल्दी आजा आजा, चलो 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 जल्दी आ जल्दी आ, कुछ लाए हैं पापा, कुछ लाए हैं। हाँ कुछ लाए हैं पापा, दो पपी बस। कुछ लाए हैं पापा, लाए हैं, मांग रहे, कुछ लाए हैं हम
खाने के लिए ढूंढ रहा था हमको तुम है मिठू, एक मिनट हमसे दूर नहीं रहना चाहता है ना मिठू। दोस्तों अभी इतना सामान लेने के बावजूद हम लोग का कुछ सामान छूट गया है। क्या सामान छूटा है? वो मेरा कुछ लेना था तो अभी हम चलते हैं और मिलते हैं कि क्या सामान ले रहे हैं वहाँ पर। आ रहे हैं तुरंत तुरंत आ रहे हैं। सब्जी तो ले आए तो काफी सामान आ रहे हैं ना, हम तुरंत आएंगे। तो दोस्तों अभी हम रोड में आ चुके हैं और सोनी जगह नहीं बताए हम, और आप लोगों को तो पता ही था कि मतलब सोनी का चैन जो था उसको हम गिरवी रखे थे दुकान में, और उसका पैसा धीरे धीरे दे के हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल ही उसका बर्थडे में ही देंगे सोचे थे लेकिन हम नहीं दे पाए, तो आज हम उसको लाने जा रहे हैं। हम धीरे धीरे करके पूरा पैसा उसका चुका दिए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर है ना। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं, सोना का दुकान यहाँ सामने है, और चलिए अंदर चलते हैं। क्या है कि हम सोनी को जो देने वाले हैं वो यहाँ देख रहे हैं कि भैया तो है नहीं है भैया का। तो दोस्तों इधर भैया है और इधर आप देख रहे हैं, आ चुके हैं अभी सोना का दुकान हम, और सोनी का जो गिरवी रखे थे हम वो सामान आज हम लेने आए हैं। काहे कि धीरे धीरे भैया को हम पैसा दे रहे थे है ना, और आज कंप्लीट हो गया है, तो बर्थडे के रोज उनको देंगे सोचे थे लेकिन मेरे पास कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इधर भैया आज कंप्लीट कर दिए इनको है कि नहीं। तो लाइए, काहे कि बात हो चुका है भैया से, अब बस लेके चलना है हमको और सोनी को देंगे सरप्राइज। तो आप लोग देखिएगा सोनी कितना खुश होती है ना। देखिए भैया दे रहे हैं यहाँ पर तो लेके जा रहे हैं, बहुत दिन भैया के पास रहा और संभाल के रखे, थैंक यू भैया। तो चलिए मिलते हैं अब घर जाने के बाद, अब देखते हैं कि सोनी कितना खुश होती है। ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों अभी हम ले लिए हैं और सोनी को देखते हैं कैसा खुश होती है, अभी घर में है तो अभी चलिए घर में अभी छुपा के रखते हैं और सरप्राइज देते हैं सोनी को। बर्थडे गिफ्ट नहीं दिए थे तो अभी इसी को देंगे। चलिए हम आ चुके हैं घर और देखते हैं सोनी क्या कर रही है इधर अंदर की ओर। तो इधर देखिए आजकल का डेट में तो सब मोबाइल में ही परेशान है। सोनी इधर आओ, एक बात था तुमसे। मार्केट से आए तो ठंडा लगने लगा। इधर आओ ना। क्या? उठो तो। तो इधर सोनी है और सोनी को हम बोलेंगे कि आंख बंद करो, कुछ चमत्कार दिखाएंगे। बंद करो ना, आंख तो बंद करो। दोस्तों देख रहे हैं, वो चीटिंग कर रही है, देखिए हल्का हल्का देख रही है। पूरा बंद करो, पूरा बंद करो। पूरा बंद किए हैं। हाँ, आप हाथ ऊपर दो, तमाचा नहीं ना मारना। नहीं, ऐसे देखना मत, आँख खोलना मत। और जब बोलेंगे तब खोलना। आप देखो क्या है हाथ में, रुक जाओ, रुकिए दोस्तों, दिखाते हैं इसको बढ़िया से। चलो आप देखो क्या है, क्या हो सकता है? कुछ लंबा डब्बा लग रहा है। डब्बा चश्मा है तुम्हारा, काहे दिखता नहीं है ना। अच्छा लग रहा है कि नहीं कि चश्मा का डब्बा है? तो सोनी बताओ क्या हो सकता है, बताओ। ये कुछ डब्बा जैसा लग रहा है, लंबा लंबा है। अब खोल के देखो है? कैसा लगा? ये क्या है? खोलो तो। रुको 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 रुको, सोचो कुछ दिन पहले हम लोग इस डब्बा को छोड़ के आए थे कहीं, तो आप वापस ले आए। और क्या हम तुमको बर्थडे रोज ही देने वाले थे लेकिन नहीं दे पाए, आज दे रहे हैं। देख लो उसमें, देख लो। तो दोस्तों ये चेन है और अभी हम लोग का लाइट भी कट गया, तो कैसा लग रहा है? इससे काफी मेरा याद जुड़ा हुआ है क्योंकि ये चेन हमको लग रहा है ये मेरा शादी सालगिरह जब था तो गिफ्ट दिए थे, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम के वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको गिरवी रख दिए थे। तो हमको तो पता नहीं था कि मतलब इतना जल्दी आ जाएगा, और देख के तो हमको अंदर दिल से रोना आ रहा है पर अभी रोएंगे नहीं। तो इतना जल्दी आप कैसे ले आए? बहुत मुश्किल हुआ लेकिन धीरे धीरे कंप्लीट कर दिए थे, हम तो तुमको देने रोज भी बोले थे। तो दोस्तों ऐसा समय है कि ये गिफ्ट ला के दिए हैं, वैसे ही हम लोग का लाइट भी कट गया है और काफी अच्छा लगा हमको, इतना जल्दी तो मेरा ये चेन वापस आएगा हमको पता भी नहीं था, और बहुत लोगों को ऐसा लग भी रहा था कि मतलब हम लोग चेन गिरवी नहीं रखे थे, तो सच में बता दे रहे हैं ये रखा ही हुआ था।
जो कि अभी काफी दिन हो गया, वो लगता है 2-3 महीना हो गया। और दोस्तों अभी हम गए थे तो अंकल से ढेर सारा बात भी हुआ और वो भी हंसने लगे कि भाई तुम लोग का चैन वही है, देख लो। तो वहाँ का पूरा वीडियो इसलिए नहीं बनाया चैन उनका कि उनका मान लीजिए सोना का दुकान है और कुछ हो जाता है तो दिक्कत होता है ना, इसलिए हम वहाँ अंदर का कोई भी वीडियो नहीं बनाए। तो चलिए सोनी को मिल गया और काफी खुश है। तो एक तरह से देखा जाए तो मेरा बर्थडे तो बीत गया लेकिन मेरे लिए काफी स्पेशल रहा, क्योंकि कहीं आने जाने पे जैसे आदमी पहनता है थोड़ा अच्छा लगता है, कोई भी सामान आप इतना मुश्किल से खरीदिए और फिर उसको फिर वापस दे दीजिए तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन हाँ, हमको इसलिए उतना ज्यादा बुरा नहीं लगा था क्योंकि हम कोई सही काम के लिए इसको यूज किए। यही सब होता है अगर आप गहना वगैरह लिए हैं ना, तो कभी ये सब इतना जरूरत में काम आ जाता है। तो अभी मेरा काम आ गया और इनको तो हम थैंक यू बोलना चाहेंगे कि मेरा स्पेशल दिन बनाने के लिए। नहीं, हम ना बर्थडे के रोज ही दे देते, लेकिन मेरे पास 5,000 का कमी था तो नहीं मिला था। तो अभी हम सब मिला के जमा करके, एक बार में तो नहीं दिए होंगे, एक बार में नहीं, हम हर महीना जब से हम जमा किए हैं तब से धीरे धीरे उनको देते जा रहे थे, 1,000-2,000 करके, और आज कंप्लीट कर दिए और ला दिए इसके लिए। और हमको इतना भी मतलब और पता जब नहीं दे रहे थे ना, आज हमको जितना खुशी हुआ उससे ज्यादा दुखी हो रहा था जब हम इसका सोना को दे रहे थे, है ना। तो हालांकि वही सोना है, सब कुछ वही चीज है और लाके दे दिए, सोनी खुश है। और चलिए आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। कहे कि सोनी इमोशनल हो गई थी लेकिन हम उस समय वीडियो को स्किप कर दिए, काट दिए थे, है ना, कहे कि अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद में मिलते हैं। देखिए सोनी अभी खुश है क्या जी, है क्यों खुशी कैसे नहीं होगा, क्योंकि आप का सामान जो नहीं था आपके पास और फिर से अगर आपके पास रिटर्न आ जाता है, हमको तो बिल्कुल उम्मीद भी नहीं था। हम तो अभी ये सब चीज को छोड़ नहीं था जो था, लेकिन इतना जल्दी नहीं था कि मतलब इतना जल्दी ला के देंगे, तो काफी अच्छा लगा। और दुकान वाला भैया भी बोले कि जितना पैसा ले गया है बस उतना ही दो, इंटरेस्ट नहीं लेंगे तुमसे, काहे को जानते हैं, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लिए, अच्छा भैया है। चलिए तो दोस्तों आज आप लोग तो देखे हैं मेरा वीडियो, और सोनी का जो बर्थडे वाला गिफ्ट था वो काफी अच्छा निकला और सोनी इमोशनल हो गई थी, अभी नीचे गई है। तो कोई आए हैं अपना सहेली तो उसी से बात कर रही है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कॉमेंट करना ना भूलिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।